हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार अंतिम द फाइनल ट्रूथ और ये मूवी की कहानी बेस्ड है एक मराठी मूवी मुलशी पैटर्न से। अगर आप लोगों ने मुलशी पैटर्न देखी है तब भी आप अंतिम द फाइनल ट्रूथ देखोगे, क्योंकि सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज्यादा है कि भाई का पोस्टर देखकर मैं आपको बता दूं, यकीन नहीं करोगे आप लोग, 90% लोग अंतिम मूवी ओनली फॉर सलमान खान जाएंगे। लेकिन जब थिएटर से बाहर निकलेंगे तो सलमान खान को तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मूवी को भी अप्रिशिएट करेंगे और आयुष शर्मा को भी अप्रिशिएट करेंगे और साथ साथ जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनको भी करेंगे। चलिए बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की। आयुष शर्मा यहाँ पर एक फार्मर के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। अब उस फार्मर के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद अपना गांव छोड़कर इनको शहर यानी कि पुणे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। अब वहां शिफ्ट होने के बाद आयुष शर्मा यानी कि राहुल के साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, एक ही चीज बोलूं कि मूवी का जो बेस प्लॉट है वो पुराना है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो नई नई चीजें इसमें ऐड की गई है यानी कि जो सिचुएशन जो बदली गई है वो आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है और सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा बताती है जो हमने मूवीज में कई बार देखा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की आज भी रियलिटी है। तो उस रियलिटी से हम लोग पीछे नहीं हट सकते और जिस तरह से वो सारी चीजें इस मूवी में बताई है उसी तरह से बता सकती है, और उसका नया तरीका मुझे नहीं समझ में आता। तो जो रिव्यूअर्स हेट फैला रहे फालतू की इस मूवी के प्लॉट को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। मूवी की अगर एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कमाल का एग्जीक्यूशन किया इस मूवी को, स्टार्ट से लेकर एंड तक इतना फास्ट रखा का मतलब पलक झपको सीन चेंज हो जाता है, और वो चीज इस मूवी की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कहीं भी ऑडियंस को सोचने का और सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि मूवी में कुछ नेगेटिविटी है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। उसके अलावा सलमान खान की बात करूं, हालांकि मैं सलमान खान की बात इतनी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जब थिएटर में जाए तो वो शॉक्ड हो कि यार सलमान खान तो यार ऑलमोस्ट पूरी मूवी में छाए हुए और उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं इस पूरी मूवी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक का जो अटेंशन है वो आयुष शर्मा पर ही जाए, और आयुष शर्मा ने जो अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, सीरियसली भाई ये उन एक्टर्स में से एक बन गया है जो अगर करेक्ट स्क्रिप्ट सेलेक्ट करे ना तो भाई वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक बन जाएगा। अगर ये लव यात्री ऐसी फालतू की स्क्रिप्ट या फालतू के कैरेक्टर को प्ले करेगा तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह के एंग्री वाले रोल जहाँ पर ऑडियंस मतलब पूरी तरह से कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाए, चाहे उससे हेट करे या उससे प्यार करे, बट वो उस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, और वो इस पर्टिकुलर मूवी में मुमकिन हो रहा है। तो यस, आयुष शर्मा ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्ले किया, और सीरियसली वो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है, जबकि जीरो एक्सपेक्टेशन थी आयुष शर्मा से मुझे, लेकिन मजा आया उनका परफॉर्मेंस देखकर। और उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है, स्पेशली जो उनन्या का रोल प्ले किया जिस एक्टर ने, काफी पुराने एक्टर है, उनके एक्सप्रेशन, उनके वॉइस, उनके डायलॉग डिलीवरी क्या कमाल किया। मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो और आपने कभी किसी भाई लोग को देखा, जैसे कि अपन ने तो देखे, तो वो भाई लोगों का चाल ढाल, उनका बोलने का तरीका, मतलब वो उस एक्टर ने, वो कोई मराठी एक्टर है, बहुत ही कमाल का स्क्रीन पर उतारा। उनको आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा, मैं उनका फोटो स्क्रीन पर रख दूंगा, बहुत ही उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो निकेतन धीरे या जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, सब लोग ने अपने हिस्से रोल बहुत अच्छी तरह से किया। डायरेक्शन महेश वाजेकर सर का बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि वो बहुत ही पुराने चावल है और मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने विद्युत जमाल की एक लास्ट मूवी डायरेक्ट की थी, तो वो उनमें डायरेक्शन में नयापन नहीं लगा था, लेकिन महेश मांजरेकर इस तरह की गैंगवार वाली मूवी है बहुत अच्छी तरह से बनाते, और यहाँ पर भी उन्होंने प्रूव किया कि वाह। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर जिसकी मैंने अब तारीफ किया, इन सबसे ऊपर है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे दिया है रवि बासुरूर ने। फर्स्ट सीन से लेके जो बीजीएम है वो आपको फील होगा कि भाई ये कोई बॉलीवुड वाला नहीं है, और वो बीजीएम इसकी सबसे बड़ी मेन जाने की, जितने भी एक्शन सीक्वेंस है और जितनी भी एंट्रीज है उसमें जो रवि बासुरूर का बीजीएम है ना वो आपके रोंगटे खड़े करेगा। और फाइनली इस मूवी की जो नेगेटिविटी है वो है इसके सॉन्ग्स एक से बढ़कर एक पैथेटिक है। भाई का बर्थडे छोड़ के बाकी मुझे कोई भी सॉन्ग इस मूवी का अच्छा नहीं लगा, मुझे फालतू का उसकी लेंथ बढ़ा रहा ऐसा लग रहा था। और स्पेशली जो इंटरव्यू के बाद जो एक आयुष शर्मा उस एक्ट्रेस के बीच में एक जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग मुझे ऐसा लगा कि यार
सलमान खान की मूवी में ऐसे सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि फैमिली ऑडियंस बहुत जाती है, तो वो सॉन्ग अगर उसको हटा देंगे आगे चल के, मतलब ये मूवी तो रन होगी तो इसको निकाल देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और लास्ट हाफ में जो वो आइटम सॉन्ग है वो भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो सॉन्ग्स इसके नेगेटिव, बाकी मूवी ओवरऑल अच्छी मूवी है जो कि आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई मूवी जाओ, किसी के रिव्यूज पे भरोसा मत करो, मेरे भी मत करो, एक बार जाओ खुद विटनेस करो, वो ऑडियंस के साथ जो बैठ के आप लोग मूवी देखोगे तो ऑडियंस चिल्ला पुकार करे, वो जो एक एनर्जी होती है ना वो आपको खुद फील होगी, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार ये मूवी ऐसी है। बाकी जो हेटर्स है वो हेट फैलाते रहेंगे, और सलमान खान की मूवीज हो या शाहरुख खान की मूवीज हो, आजकल उनके लवर्स कम हेटर्स ज्यादा पैदा हो गए, पता नहीं क्यों। तो यार जाओ एक बार मूवी देखो, इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7/10। तो बस बाय।